अगर गुरुजी यहाँ पे होते तो हमारे सिरसा शहर की थोड़ी और भी ज्यादा सुधार हुआ होता। जैसे आगे इन्होंने पेड़ पौधे लगाने में, हर जगह पे इन्होंने स्कूल में कहीं जाने में किसी चीज की भी है तो सबसे ज्यादा हेल्प इन्होंने की है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको हम जनता हॉस्पिटल है जो सिरसा का, वहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा के लोग हैं, उनके शिष्य हैं, उनके द्वारा यहाँ पर पहले जो पेशेंट्स थे ज़रूरतमंद, उनको सिविल हॉस्पिटल और जनता हॉस्पिटल में उनको फ्रूट्स की किट्स दी गई। और फिर इसके बाद जो स्टाफ यहाँ पर, जो हम देखते हैं कि कोविड के टाइम में भी इनको कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया, जो हर समय दूसरों की हेल्प करते हैं, इन लोगों को एक गिफ्ट के रूप में इनको फ्रूट्स की किट, जो न्यूट्रिशन किट है, वो इनको प्रोवाइड की गई है उन लोगों के द्वारा। इनसे जानते हैं कि इनको कैसा महसूस हुआ। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम जी। मेरा नाम पूनम शर्मा है जी। मैम देखिए, जो ये जो आज वितरित किए गए हैं फ्रूट्स, और या गुरुजी हमेशा ही ऐसे काम करते रहते हैं जिनसे जो पब्लिक को या और साथ संगत जो भी है उनको खुशी मिले और सुख मिले, वो अपना आशीर्वाद जनता को हमेशा देते रहते हैं, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, तो उनका जो कृपा है बनी रहती है। जो ये लोग हम बात कर रहे थे इन लोगों से, इनका कहना है कि संत जी के कहने पर आज भी ये लोग कार्य कर रहे हैं। मैं उनके वहाँ रहकर भी संदेश यही आ रहे हैं कि जरूरतमंदों की मदद की जाए। आपका क्या कहना है मैम इस सोच के लिए? देखो जी, हम काफ़ी सालों से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं जी। गुरुजी ने हमेशा ही अच्छे काम किए हैं, तो वो अब वहाँ बैठे हैं, इतनी दूर अंदर हैं, तो वहाँ से भी वो कृपा अपनी देंगे चाहे वो कुछ हो जाए। उन्होंने यहाँ सात संगत के लिए, भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, वो सारी जनता ने देखे भी हैं। कैसे कार्य मैम आप लोगों ने देखे हैं उन लोगों के, मतलब जो लोगों को एक्चुअली में फ़ायदा क्या मिला है उनके कामों से? देखो जी, उन्होंने एक तो हॉस्पिटल जो बनवा रखा है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है जी, हमने देखा है हॉस्पिटल भी, और काफ़ी ऐसी कॉलेज वगैरह है, स्कूल हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो है सिरसा जो है बहुत ज़्यादा तरक्की की है सिरसा ने, जो पहले के टाइम में नहीं थी, वो हमने अब देखी है गुरु जी के उसमें। तो जब बाढ़ वगैरह आती है, कुछ भी आती है, तो सबसे पहले इन्हीं का ही नाम आता है, सबसे पहले यही खड़े होते हैं गरीब लोगों की सेवा करने के लिए, उनको मतलब उनको खाने पीने के लिए प्रोवाइड करना, आगे उनकी हर तरह की वो मदद करते हैं वो। मैम हमने ये भी सुना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन लोगों के नाम है, काफी आंखें चेक करने में या खूनदान में। हाँ जी, हाँ क्या जी, क्या जी, ये सच्चाई है मैम आप लोगों ने यहाँ पर देखा? यस, है सच्चाई है इसके अंदर, बिल्कुल है सच। लोगों को मतलब ये प्रोवाइड करते हैं, मतलब किसी का कोई दान, नेत्र दान हो गया, कुछ भी हो गया, और अगर कोई ब्लड किसी को कोई दिक्कत है तो उसमें भी सबसे पहले ये मदद करते हैं आगे। मैम ऐसे सोच जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा ने इन लोगों के अंदर, संत जी के बारे में क्या कहना है आपको? क्या आपको लगता है ऐसी संत की, ऐसी सोच की समाज को आज के समय में है जरूरत है ऐसी? क्योंकि आगे जब पहले मतलब गुरुजी नहीं थे, गुरुजी इनके अलावा किसी और ने आगे सबसे पहले कोई भी, अगर जैसे पानी की कभी बाढ़ वगैरह आई है, कोई भी संकट आया जब भी, तो हमेशा सबसे पहले नंबर पे इन्हीं का ही नाम आया है, चाहे कहीं बाहर के देशों में हो, चाहे विदेशों में, देशों में कहीं पे भी हो, सबसे पहले यही खड़े हुए हैं। तो ऐसे संत की हमारे समाज को जरूरत है। मैम 4 सालों से ज़्यादा समय हो गया संत यहाँ पर नहीं है, मतलब सिरसा आश्रम में जैसे लगातार पहले लोगों के बीच में रहते थे, आपको लगता है कहीं ना कहीं समाज के ऊपर कोई इम्पैक्ट उनके ना रहने से पड़ रहा है? शहर में बहुत ज़्यादा मतलब जैसे लोगों को कमी महसूस होती है इस चीज़ की, मैंने देखा है ये चीज़, मैंने सुनी भी है काफ़ी लोगों से जिनका उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। मतलब आज भी अगर ये, अगर गुरु जी यहाँ पे होते तो हमारे सिरसा शहर की थोड़ी और भी ज़्यादा सुधार हुआ होता। जैसे आगे इन्होंने पेड़ पौधे लगाने में, हर जगह पे इन्होंने स्कूल में कहीं जाने में किसी चीज़ की भी है तो सबसे ज़्यादा हेल्प इन्होंने की है। आपका क्या कहना है मैम, जो मतलब सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा आप देखा जाए इतने समय से नहीं है, वो आ जाते हैं तो क्या आपको लगता है क्या यहाँ का इरा होगा कि क्या लोग ये जिस तरीके से आज भी ये मदद कर रहे हैं, कुछ और बदलाव इन चीज़ों में आएगा? देखिए जी, मेरा मानना तो ये है, जो पीछे जो टाइम हमने देखा है 2 साल पहले जो कोरोना का जब प्रकोप बहुत ज़्यादा था, अगर गुरुजी बाहर होते ना तो सिरसा वासियों को वो टाइम देखना नहीं पड़ता,
ये चीज मैं दिल से मानती हूँ। तो वो उस टाइम में गुरुजी की कमी हमें बहुत ज़्यादा महसूस हुई थी, क्योंकि वो सिरसा के लिए हमेशा आगे से बढ़कर आगे काम करते रहते हैं। स्वच्छता अभियान देख लो सिरसा में, आप जगह जगह देख लेना, जो इनके सेवादार हैं वो हमेशा सफाई के उसमें लगे होते हैं। मतलब वो चीज़ें हम हमेशा ही उनके शुक्रगुजार रहेंगे। मैम आप लोग कुछ और बोलना चाहेंगे? जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको दिखा रहे हैं कि जो जनता हॉस्पिटल में जो यहाँ पर स्टाफ है, जो वहाँ पर इनको भी जो फ्रूट्स की किट्स दी गई हैं और यहाँ पर पेशेंट्स को भी दी गई हैं। इन लोगों का कहना है कि हमेशा ही जो सबसे पहले अगर कोई ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद करने में जो आगे आता है, जहाँ जो भी जो जब भी बाढ़ आती है कहीं पर भी, पानी की बाढ़ आती है, कोई भी कुदरती आफ्ता आती है, तो उसमें जो सबसे पहले आगे जो बिना स्वार्थ के लोग काम करने आते हैं वो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के लोग होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब 4 सालों से ज़्यादा समय से वो इन लोगों के बीच में उस तरीके से नहीं है, तो जनता उसकी कमी महसूस कर रही है और अपील कर रही है कि संत जी समाज में आने चाहिए। अगर उनके आने से ये समाज हित के कार्य और तेजी से बढ़ेंगे, समाज का और फायदा होगा। आप लोग सोचिए जो डायरेक्ट रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं क्या रहा है, जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ, फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।